तकदीर दिया तक तेरे इस मरीज का बुखार ना उतरन, तो फिर मुझे गुल्लू को बुलाना ही पड़ेगा ताकि तेरे इस मरीज को बाहर फिकवा सकूं। याद रखना मेरी ये बात। याद से सुबह माड़ी में आ जाना, सरकार ने तलब किया है तुझे। तलब की? तेरा बाप आया था सरकार के पास, सरकार ने कह दिया है कि ले जाए तुझे। इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता सरकार, कोई भी नहीं देखना चाहता, मर गई वो हमारे लिए। सरकार मेरे जाने से पहले ही जा चुके थे, सुना है वो रास्ता भूल के आ गए थे। अकल के अंधे होंगे जिन्हें इतनी बड़ी माड़ी दिखाई ना थी। ठीक है, शुक्रिया उस्ताद जी। कुछ बात की भी मार ने? कल से वही बात कर रहा है बार बार, जुलेखा का नाम ले रहा। बेटा लगता है जुलेखा के अलावा इसके जहन में कोई और बैठ ही नहीं रहा, न जाने कौन है वो इसकी। सब कुछ जुलेखा इसकी सब कुछ है। देखें तो सही से, होश में आया नहीं है और उसी का नाम ले रहा है बार बार, जैसे जुलेखा ना हो जिंदगी हो उसकी। खुदा जाने इसकी जुलेखा जिंदा भी है या मर गई। सोगना मना, कल आ रहे हैं तेरे घर वाले तुझे लेने के लिए। आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही है, हैं? और तेरी आंखें चुंदिया जाएंगी ये जोड़ा देख के। चैना रेशम का है, चैना रेशम का, और कभी इतना कीमती कपड़ा देखा भी है? तो आ दे बीबी सरकार, अपनी सोने जैसी बेटी का जोड़ा तुझ को दे दिया। चल पहन और इतरा। तू पहन ले मौसी।
नहीं चाहिए मुझे। ना तेरा मुंह है ये जोड़ा पहनने वाला, तेरी औकात है तू रेशम पहने है? और मैंने तो बीबी सरकार से कहा था कि वो कलमू ये नहीं है इस जोड़े के काबिल, जोड़ा उसको दो जिसको की कदर हो। मैंने ये भी कहा था कि मैं अपना पुराना सुराना जोड़ा दे देती हूँ और तनी ढांपड़ा है ना, पर वो बोली कि लड़की जात है सरकार की कचेरी में जाना है तो थोड़ा संवार के ले जाओ, और लोग ये ना कहें कि मजारे की बेटी थी इसलिए फटे पुराने कपड़ों में भेज दिया। तू कफन ला के दे दे मुझे मौसी, मैं ये जोड़े में नहीं कफन में लपेटी जाती है। बिट्टू की बेटी का जनाजा है आज, मर गई है उसकी बदनसीब बेटी। जा। लेकर आया है माणी से? ओए, तूने तो बड़ा बुरा फंसा दिया तनी में। वो तो बड़ी ऊंची गेम में मुझे तो मारी जाके पता लगा। तो इसका मतलब है तू माणी में बिना कार्रवाई किए लौट आया? ओए, तू पागल हो गया है? मन भर तू तो डरपोक निकला। अगर तेरी जगह मैं होता ना तो जुलेखा को बरामद किए बगैर ना लौटता माणी से। अब तू ये बता, तुझे कैसे पता लगा तेरी बंगमारी में? ये अच्छा सवाल किया तुमने। आज माड़ी के खास दोस्तों में सुबह बुलाया गया है और ये वो दोस्त हैं जहाँ हम जैसों का जाने की इजाजत नहीं मिली। तो इसका मतलब है सुलेखा वही है। अगर तू बुजदिल ना दिखाता ना तो वो इस वक्त। ओ भाई मैं चला। मैंने सारे रास्ते ही बंद कर दिए, कहीं कभी मैं भाग ही ना जाऊं। तो ये है आपका कानून माड़ी, तख्त सुल्तान का इंसाफ। ये कैसा इंसाफ है आपका सरकार, जिसमें एक मजलूम लड़की के लिए जरा सा भी रहम नहीं। ये कानून है आपका जिसमें एक कमजोर लड़की को सजा दिलवाना जरूरी हो गया है। मुझे मेरे घर वालों के साथ भेज देंगे। क्यों क्यों? अगर मैं ना जाना चाहूं फिर भी। इससे अच्छा तो सिकंदर मैं तेरी बात ही मान लेती। माड़ी में आने से तो बेहतर था कि मैं नहीं मर भाग के हाथों मर जाती। तेरा हाथ थाम जो तुझसे क्यों वादा तो निभा देती। क्या करूं? सोचा दी
दे गया सुगाता सुख महीना ले गया सुख महीना ले गया नाल दुखा दे। मीर मंगा, मैं मीर मंगा, उठ सरकार ने बुलाया तुझे। क्या हुआ? खैर तो है, ये तो उनके आराम का टाइम है। और ज्यादा तो चली तो नहीं होगी? मुझे लगता है उस कुड़ी ने ना कोई वारदात डालती है। नहीं, उस कलमोही ने अब क्या कर दिया? बड़ी कपत्ती कुड़ी है, जब से माड़ी में आई है सबको वक्त डाला है। वक्त तो क्या है, खुद ब खुद पीछे पड़ जाता है दाजी। तू जा, जाकर अपना काम कर, मेरे मुंह न लग। ऐसा ना हो देसी जाने पे तुझे वक्त पड़ जाए। बड़ा आया मुझे बातें सुनाने वाला, सुनती है मेरी जुत्ती? हटी पड़ाओ। ओ वीर मंगा, छोड़ इसे। ओ तू मुझे कोई अंदर की बात बता, मेरे तो पेट में दर्द हो रहा है अब। ये दर्द कभी ठीक नहीं होगा, ये दर्द नहीं बीमारी है कंसुमों की, और जो तेरा पेशा है बख्शा। अरे दारा, ये बीमारी यहाँ सबको लगी हुई है, तू जा जाके अपना काम कर, ये ना हो पीड़ तुझे भी छिड़ जाए। अरे बात सुन, मैं जा रहा हूँ, जाके देखूं सरकार ने मुझे क्यों बुलाया है। तुम अपना शुक्र करो। चलो चलो ठीक है, चल भाई शुरू कर। माड़ा है ते माड़ा सैया जो है। ओ तू कहां था तक भाया? एक काम से गया था। अगर हमने सरकार को यकीन नहीं दिलाया कि जुलेखा को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, तो हमें सरकार जुलेखा वापस नहीं करेंगे। तो मेरा शक ठीक निकला, जुलेखा माड़ी में ही है। हाँ, वो बजात माड़ी में ही है, अभी तेरे चाचा ने बताया है ना। तूने पूछा नहीं सरकार से वो किस हिसाब में हमारी इज्जत अब तक माड़ी में रखी है, और वो लगते क्या है जुलेखा के? और हमने तो खुरे की गवाही मानने से भी इंकार कर दिया, सरकार के जूतों की लाज रख ली, खोजी को जूते मार के हमने घर से निकाल दिया। उन्होंने क्या किया तेरे साथ चाचा? जुलेखा का हाथ तेरे हाथ में देने के बजाय तेरे से शर्त बांध ली और तुझे खाली हाथ घर भेज दिया। वाह, क्या इंसाफ है तख्ते सुल्तान का। जावे दित्तू बेगैरता, माड़ी से खाली हाथ वापस आने की बजाय अब मर क्यों नहीं गया? सर पटक पटक के माड़ी की दलील पे मर जाना चाहिए था। बस खुर्शीद, अगर तूने अपनी ये छतरी जुबान बंद नहीं की ना, तो मैं काट के फेंक दूंगा। अब तक जो कुछ हुआ मैं चुप रहा, लड़कों को खुले हाथ से खेलने की इजाजत दे रखी थी मैंने, अब मामला मेरे हाथ में है। जुलेखा को कैसे वापस लाना है इसका फैसला तुम लोग नहीं, मैं करूंगा। मैं कल हम लोग माड़ी जा रहे हैं पिंड वालों के साथ, उधर कचहरी में पिंड वालों के सामने हमने जुबान देनी है सरकार को, पक्की जुबान। कैसी जुबान अब्बा? मर्द की जुबान पुत्र, जुलेखा को कत्ल ना करने की जुबान, उसको नुकसान ना पहुंचाने की जुबान। और खबरदार, किसी ने फसाद फैलाने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कुड़िये दरवाजा खोल, तू इस हरकत का अंजाम जानती नहीं है। बहुत ही कोई बेहया कुड़ी है मीर मंगा, शर्म हया तो छू के नहीं गुजरी उसको। बीच की इतनी जुर्रत है, और सैद वाला की कुड़ी माड़ी में आके अपनी मर्जियां करेगी, ऐसा तो कभी ना देखा ना सुना। यहाँ चिड़िया भी आती है ना, तो उसको अपनी मर्जी करने का कोई हक नहीं है। क्यों? अकड़ तो देखो इसकी, माड़ी की उच्ची सेज पर तो इतना बड़ा जुर्म करके बैठ गई है,
ऊपर से माड़ी वालों को रोक दे रही है। मेरे बस में होता तो जूतों का हार गले में डालकर पूरी माड़ी में इसका तमाशा लगाती। वैसे है तो ये इसे लायक। आखिरी बार कह रहा हूं कुड़िये, और मरना चाहती है क्या? मरना चाहती हूं मैं। मौत है ना मेरी सजा, तो रब का वास्ता है तुझे, दिलवा दे मुझे मौत। मौत मांगती हूं मैं मारी वालों से, मौत मांगती हूं मैं। मौत तो तुझे मैं एक लम्हे में दे दूं, अगर मुझे बाबा जान का डर ना हो। तकदीर दिया तकदीर दिया जंजीरा अरे अभी उसने मौत को देखा ही कहा है, इसीलिए तो वो मौत की फरमाइश कर रही है। सरकार, मुझे उसकी आंखों में मौत का खौफ नजर नहीं आया। बड़ी बेखौफ लड़की है। ये तुमने आंखें पढ़ना कब सीखा? जाकर उसका पहरा दे, सवेर तक उसको कुछ नहीं होना चाहिए। कल पहुंच जाएगा उसका ड्रामा उसके अंजाम पर। जा। जी सर। सुना है इस जगीर के इंसाफ की धूम तख्त दिल्ली तक थी। ओ, यहां के बूढ़े कहते हैं इस तख्त पर बैठकर किसी सुल्तान ने आज तक कोई गलत फैसला नहीं किया, इसीलिए अब तक यहां इंसाफ कायम है। और थाने की तरफ से कोई मुर्दा ही नहीं, वहां ते सिर्फ गिद्दड़ मुड़ते हैं, गिद्दड़। दोसू लाला ठीक कह रहे हैं। चलो अब जल्दी जल्दी काम करो, सरकार आने वाले ने। जा तू जल्दी से जा। मुझे लगता है इसको होश आ रहा है। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन अकरम ऊपर आ गया ना तो बहुत बुरा होगा। तू जा, जा ना तू जल्दी से जा।
चलनी कुड़िए पहनिए जोड़ा, तैयार हो जल्दी, बरात आ गई है तेरी। और सुनाए तेरा मंगेतर भी कचहरी में बैठा है। और सुनाई नहीं दे रहा क्या कह रही हूं मैं? सरकार ये इस तरह नहीं मानेगी, आप हुक्म करें तो खींच के ले जाऊं इसको। ये इस तरह नहीं जाएगी भागबरी। जा बुलाला दरबानों को, बुला दरबानों को, घसीट कर लेकर जाएंगे इस घर से भागी हुई को। ये खुद चलकर जाएगी भागबरी। मैं नहीं चाहती कि इसकी इज्जत का और तमाशा बने, इसके बाप की मजीद रुसवाई हो। तू जानती है मैं तेरे साथ जोर जबरदस्ती कर सकती हूं, लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहती। मैं चाहती हूं तू अपने पैरों पर खुद चलकर जा और फैसला सुन अपना। और अगर तुझे मंजूर ना हो तो बता अपने घर वालों को, ये तेरा हक है। लेकिन कचहरी में हाजिर ना होने की जिद गलत है, जो मानी नहीं जा सकती। और अगर तूने ऐसा ना किया तो तेरे साथ जबरदस्ती की जाएगी। बस तू समझ ले, कचहरी में तेरी हाजिरी के बगैर फैसला नामुमकिन है, ये हमारा उसूल है। सरकार बीबी सरकार, रहम रहम बीबी सरकार, ऐसा मत करें, ऐसा ना करें बीबी सरकार। दारा रुक, इधर आ। सैयद वाला वाले लोग पहुंच गए? जी सरकार, आप भी पहुंच गए थे सब लोग कचहरी। रोटी पानी का बंदोबस्त किया? कहा सारी रात खड़े होकर देखे बताई है, जैसे हुक्म हुआ रोटी खोल दे। लड़की को पहुंचने के लिए कह दिया है सरकार? फुफू सरकार भागबरी से कह के लड़की को कचहरी पहुंचाने। सरकार आपको रब का वास्ता है, मुझे कचहरी ना भेजे। क्यों पुपी सरकार? मुझे उस कचहरी से इंसाफ की उम्मीद नहीं है, वो लोग मेरे घर वालों के हक में फैसला कर देंगे। रहम पुपी सरकार, रहम। जानती है क्या बक रही है तू? शक कर रही है हमारे इंसाफ पर, जिसकी लोग कसमें खाते हैं। पुपी सरकार, मुझे तो लगता है कि माड़ी के ऐश और आराम को देखकर फिसल गई है ये कमी। चाहती है यहां पक्का ठिकाना कर ले, इसलिए बहाने बांध रही है। चलो अपनी सजा का सामना कर, मोहलत खत्म हो गई है तेरी, कचहरी लग चुकी है, तेरे घर वाले आ चुके हैं। ऐसा ना हो दरबानों को बुलाकर तुझे जबरदस्ती भिजवाना पड़े। दरबान तो आ चुके हैं भुप्पी सरकार, इसका बुलावा लेकर। ना भुप्पी सरकार, बीबी सरकार, वो लोग मुझे भेज देंगे मेरे घर वालों के साथ। भुप्पी सरकार रहम, मैं कचहरी नहीं जाना चाहती। सुन लिया आपने भुप्पी सरकार, वही बात निकली ना जो मैं कह रही थी। तकदीर।
इस कमीन का दिल माड़ी के ऐश और आराम को देखकर फिसल गया है। अब इसका दिल अपने कच्चे कोठे पर वापस जाने से नहीं करता। भागबरी, ले जा इसे, और अगर ज्यादा तंग करे तो अंदर आने दे दरबानों को। चल नहीं, भाग भरी, भाग भरी, चादर इसके सर पर देकर जा। लड़की जात है, कचहरी नंगे सर नहीं जाएगी। अच्छा तो ये काम से गई, इधर ही अपने अब्बे और भाग के हवाले हुई ना, सर इस पे गोली चली चली। तौबा, घर से भाग जाने वाली लड़कियां डायने बन जाती हैं। शकल देख उसकी, डायन लग रही है बिल्कुल। सलाम सरकार। बैठ जाइए। हाँ दित्तो, क्या सोच रहा है? सरकार, क्या चाहता है तू? तू करेगा सरकार, सरकार इसे माफ कर दे इस बीच को। यहाँ जोश को नहीं होश की जरूरत है, इसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। आज हम में से कोई एक रहेगा, तू या मैं। अभी आप अपने पैरों पे खड़े होने के काबिल नहीं हो। ध्यान से आप समझने की कोशिश कीजिए, मेरा वापस जाना जरूरी है, कोई मेरा इंतजार कर। बढ़िया ही गैर, तू मर जाती अपने उस आशिक के साथ। मर गया और मुझे कोई मरने नहीं दे रहा। यहाँ करते भला, लाते जहर, बस एक चुटकी।